بسم الله الرحمن الرحيم، اشرح لي صدري. हमारी लास्ट डिस्कशन इस बात पर एंड हुई थी कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हमने बात की थी, पर्टिकुलरली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हुई थी हमारी। ठीक है, आज हम जरा स्टार्टअप लेंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ चीजें ऐसी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो पेपर के अंदर हमारे असेसमेंट्स में आ रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए देखिए, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास मैग्नेटिज्म की जो फॉर्मेशन था, कि जो कॉज जिसे आप कहते हैं कि मैग्नेट बनता ही क्यों है, तो उसका कॉज था मोशन ऑफ चार्जेस। तो हमने एक बात कही थी कि अगर कभी भी ऐसा हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाए तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर वायर आपके पास मौजूद है, सही, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वायर मौजूद है एंड दैट वायर हैज इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज वायर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वायर, आपके पास इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई नजर आएगी। आपके इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ट्रेवल कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम विल बी ट्रेवलिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही, तो द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्चुअली क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस पीस ऑफ वायर। And we can say कि हाँ भाई, this wire is kind of like behaving as a magnet. If, और ये जो field है आपके पास, समझने की बात ये, this field is actually circular. ये आपके पास इस तरह से circular होती है, और ये सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये पूरे वायर के अराउंड जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं हर उस जगह पे आपको फॉर्म हुई भी नजर आती है। सी, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट पीस ऑफ वायर। Around the current carrying wire. इस magnetic field की direction भी होती है, and we'll figure out how to determine the direction of the magnetic field. ना? तो मैं पहले तो अभी ऐसी बना रहा हूँ खाली, लेकिन then I'll teach you how you can find out के इस magnetic field की direction क्या है। ये जो arrow मैंने बनाया है, ये arrow मैंने किस perspective से बनाया है, अभी हम इसकी method के ऊपर भी बात करेंगे। अब हमसे ये पूछा जाता है कि पेपर के अंदर आपको एक वायर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इसके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड स्केच करके दिखाइए। तो इसको स्केच करने के लिए हम दो तरीकों का सहारा ले सकते हैं। कभी कभार आपको वायर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल बना के दे दिया जाएगा और उसमें करंट की डायरेक्शन आपको बता दी जाएगी कि भाई उसके अंदर करंट जो ट्रेवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। इट कुड बी अपवर्ड्स, इट कुड बी डाउनवर्ड्स, दोनों हो सकता है, ठीक। तो अगर आपको एक स्ट्रेट वायर दे दिया जाए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, सही, और हमें उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सर्कुलर हुआ करती है वायर के अराउंड। जैसे मैंने ऊपर वायर के अराउंड बनाई एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे भी एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखा सकते हो। आप इस तरह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड स्केच करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसमें मैं पीछे वाले हिस्से को डॉटेड कर देता हूं, सही, और आगे वाले हिस्से को मैंने सॉलिड कर दिया।
मेरे पास इस तरह से मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे नजर आ रही है, एक वायर के अराउंड बनती हुई मैग्नेटिक फील्ड। और बिल्कुल ऐसे ही शेप में, बिल्कुल इसी तरह की शेप के अंदर आपके पास इस वायर के अराउंड भी, अब टू फाइंड आउट कि भाई ये जो आपके पास ये जो पर्टिकुलर शेप है मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें जो डायरेक्शन है वो आप कैसे डिटरमिन करते हैं, तो लेट मी टीच यू अ मेथड। एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जज करने के लिए, उसके नॉर्थ साउथ का अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल की जो खास बात होती है मैं उसमें आपको बताता हूँ। उसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, एक हमारे राइट हैंड का थंब और एक हमारे पास हमारे कर्ल ऑफ फिंगर्स। राइट हैंड ग्रिप रूल में हम थंब को पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में, कभी अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर पॉइंट हुआ, करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे पॉइंट हुआ, और फिंगर्स को कर्ल करते हैं वायर के अराउंड, मतलब ऐसे घुमाते हैं फिंगर्स को जैसे हम वायर को ग्रिप करना चाह रहे हैं, थंब को उस डायरेक्शन में रखते हुए जहां करंट जा रहा था। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होती हैं उस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड का एरो मिलता है। आपने थंब पॉइंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड यू स्टार्टेड टू कर्ल योर फिंगर्स, तो फिंगर्स का कर्ल विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी शो यू अ डायग्राम, अ पिक्टोरियल व्यू, कि ये वैसे देखने में कैसा लगता है ताकि आपको उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये ऐसा है, सी इट्स लाइक दिस, कि आपने थंब को पॉइंट किया जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया एज इफ यू वर ट्राइंग टू ग्रिप द वायर। तो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, यू कैन सी जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का एरो बनाया गया। तो अगर आप ऊपर वाले केस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं जो हमने बनाया है, पाई पॉइंट में थंब अपवर्ड्स एंड कर्ल माय फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एंड इफ आई पॉइंट माय थंब डाउनवर्ड्स एंड कर्ल माय फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। लेकिन याद रखिएगा यू हैव टू यूज द राइट हैंड फॉर दिस। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए एग्जामिनर आपसे कुछ और रिक्वायरमेंट भी मांगता है। ये तो हमने थ्री डायमेंशनल दिखाया ना, थोड़ा सा इसको 3D के अंदर इफेक्ट दिखाने के लिए कि बच्चा अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई। लेकिन पेपर के अंदर अमूमन हम टू डायमेंशन में बात कर रहे होते हैं, तो हमें जो ड्रॉ करने होता है वो टू डायमेंशन के एतबार से होता है। तो अगर टू डायमेंशन के एतबार से ड्रॉ किया जाए तो चीजें कैसी लगेंगी, लेट मी शो यू। हम इस्तेमाल करते हैं डॉट और क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन को। डॉट और क्रॉस असल में किसी भी चीज को पेपर के अंदर या पेपर से बाहर निकलने को शो करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि देखो पेपर तो टू डायमेंशन है ना, या तो चीज एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर कोई चीज पेपर से आउट आ रही है, मतलब
थ्री डायमेंशन के अंदर टूवर्ड्स आउट ऑफ द स्क्रीन अगर कोई चीज हमें शो करनी है या कोई चीज पेपर के अंदर जा रही है, इन टू द स्क्रीन जा रही है, जैसे अगर मैं ये पेपर बनाऊं तो एक्स और वाई तो आप इस पे शो कर सकते हो, लेकिन जेड एक्सिस की कोई चीज पेपर से बाहर आ रही हो या पेपर के अंदर जा रही हो उसको शो करने के लिए पेपर से 90 डिग्री पे हम डॉट या क्रॉस का सहारा लेते हैं। अगर आप डॉट से शो कर रहे हो किसी चीज को तो उसका मतलब वो चीज पेपर से बाहर की तरफ आ रही है। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे ये पेज है, और इस पेज पे जैसे ही मैंने यहां पे मार्क कर दिया, मैं इसी को डॉट और क्रॉस बना के समझा देता हूं। अगर पेपर पे डॉट मार्क हुआ हुआ है तो इसका मतलब आप जो भी चीज शो करना चाह रहे हैं वो पेपर से बाहर की तरफ निकल। डॉट मींस इट्स कमिंग आउट ऑफ द पेज। आप करंट शो करना चाहते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड शो करना चाहते हो, आप जो भी चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दैट थिंग इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। सही, डॉट का मतलब ये होता है। और अगर क्रॉस मार्क हुआ हुआ है, सही, तो क्रॉस मींस व्हाटएवर यू वांट टू शो इज एक्चुअली गोइंग इनटू द पेपर। वो पेज में अंदर जा रही है। तो डॉट की रिप्रेजेंटेशन आप किसी भी चीज को पेपर से बाहर निकलने के लिए शो करते हैं, और क्रॉस के थ्रू आप कुछ भी चीज पेपर में एंटर होने के लिए रिप्रेजेंट करता इस्तेमाल करवाते हैं। सही, ये डॉट और क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे। तो अगर मुझे एक ऐसे वायर के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और उसमें मार्क हुआ हुआ है क्रॉस, सही, तो क्रॉस से मुराद मतलब यहाँ पे है कि भाई करंट इज गोइंग इनटू द पेपर। मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, करंट इनटू द पेपर। और मुझे कहता है एग्जामिनर कि आप हमें इस वायर के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करके दिखाई, आप हमें इस वायर के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाई। तो अब हमने क्या किया, हम बनाते हैं सर्कल्स। देखिए मेरे बच्चे, जो हम सर्कल्स बनाते हैं उन सर्कल, क्योंकि हमें पता है वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर है, लेकिन सर्कल बनाते हुए एक चीज का आपने ध्यान रखना है, और वो ये है कि ये सर्कल्स कंसेंट्रिक होने चाहिए बेटा। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि इन सर्कल्स का सेंटर एक ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल्स बना रहा हूं, तो मैंने इस बात का ध्यान रखना है कि इन सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही रहे। यानी सर्कल ऐसे ना बना दीजिएगा पेपर के अंदर कि एक सर्कल कुछ और है, एक दूसरा सर्कल कहीं और से उसे टच हो रहा है, ये गलत। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, लेकिन सारे सर्कल्स का सेंटर एक होना चाहिए, एक जैसा सेंटर बनना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो वो ये चीजें देखता है, इन पे मार्क देता है, मैं वो बताता भी जा रहा हूँ और उसको ड्रॉ भी करता जा। कंसेंट्रिक सर्कल्स के बाद दूसरी चीज जो एग्जामिनर आपके पास आपकी फील्ड में चेक करता है वो है कि क्या इसने इन सर्कल्स के दरमियान का गैप इंक्रीज किया है या नहीं। कंसेंट्रिक सर्कल्स के अलावा अब आपके पास यहाँ पे है इंक्रीजिंग गैप। ये इंक्रीजिंग गैप क्यों होता है? ये इंक्रीजिंग गैप इसलिए होता है क्योंकि जब आप वायर से दूर जाएंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, उसको वीक होता दिखाने के लिए आपको उनके दरमियान का गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहली चीज जिस पे आप एक मार्क हासिल करते हो वो है आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स।
अगला मार्क आपको मिलता है सर्कल्स के दरमियान में। और तीसरा मार्क आपको मिलता है जब आप एरो बनाते हैं। जब आप एरो ड्रॉ करते हो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, इंक्रीजिंग गैप एंड करेक्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यू यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल। करंट अंदर जा रहा है तो आप थंब को पेपर की तरफ पॉइंट करोगे और अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे, फिंगर्स कर्ल करोगे जैसे आप ग्रिप कर रहे हो। ठीक, तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो इस डायरेक्शन में हो रही। थंब को आप पॉइंट कीजिएगा पेपर की तरफ और अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा तो आपके फिंगर्स का कर्ल उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैंने एरोज बनाए। बिल्कुल ऐसा ही आपके पास बनता है अगर आपके पास बजाय करंट अंदर जाने के बाहर आ रहा। एग्जैक्टली सेम क्रिएट करने का आप काम करते, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ फर्क इस बात का होता कि आपके एरोज की डायरेक्शन गलत डिफरेंट होती। योर एरोज मस्ट हैव बीन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज व्हेन द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो ये वाले आपसे एग्जाम में बनवाए जाते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, और इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप पेपर में जाएं तो एक कंपस लेके जाइएगा ताकि आप सर्कल्स एटलीस्ट सही तरीके से बना सकें, आप गैप का इंक्रीज दिखा सकें। डायरेक्शन तो राइट हैंड ग्रिप रूल से आ ही जाएगी आपके पास। डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल से आती है बेटा। अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना। जो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड का एरो होगा। हाँ, दे अलाउ कंपस भाई, व्हाई वोंट दे अलाउ कंपस? पूरे ज्योमेट्री बॉक्स अलाउड होता है, मतलब आपकी ज्योमेट्री के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं देर अलाउड, क्योंकि वेक्टर डायग्राम के अंदर भी आपको कंपास की जरूरत पड़ती है। नहीं, वो नॉर्थ साउथ वाला नहीं भाई, वो वाला कंपास नहीं चाहिए। फ्लोटिंग फ्लोटिंग कंपास नहीं चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स वाला कंपास चाहिए। अब यहां पे चलो ये बात जिक्र में आई गई, नहीं प्रोट्रैक्टर के अलावा आपको कंपास की जरूरत पड़ती है, वेक्टर डायग्राम में कंपास की नीड होती है। एक आध तो डायग्राम्स होती हैं ऐसी, वैसे तो खैर आपके उसमें ना ही पूछा जाए शायद, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड में बता। अगली चीज, चलो कंपास वाली बात हुई है तो यहाँ पे आप कंपास के थ्रू भी आपको बता दें कि अगर हमारे वायर के अराउंड एक प्लॉटिंग कंपास रखा हुआ होता तो वो हमें डायरेक्शन का जो अंदाजा है वो किस तरह से दे रहा होता वो भी देख ले। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे वायर के अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स में हम अपना प्लॉटिंग कंपास रख देते। ठीक है, अच्छा, आई एम मेकिंग
दिस फील्ड लाइन डॉटेड, ताकि प्लॉटिंग कंपास के ऊपर जब हम बात करें तो हम उसको बना के दिखा सकें। तो अगर एक प्लॉटिंग कंपास मैं इधर रखता हूं, ठीक है, एक प्लॉटिंग कंपास मैं इधर रख देता हूं, इसी तरह से एक प्लॉटिंग कंपास इधर रखा टॉप पे, देन एक प्लॉटिंग कंपास इधर रख दिया और एक इधर रख दिया। मैंने कुछ पांच कंपासेस प्लेस किए आपको आइडिया देने के लिए कि प्लॉटिंग कंपास अगर हम प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो एरो है, मैग्नेटिक फील्ड जो एरो बना रही होगी, तो उसकी प्लॉटिंग कंपास की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब देखिए, आपको ये फिगर आउट करने के लिए कि प्लॉटिंग कंपास कहाँ पॉइंट करेगा, सबसे पहले तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल से ये पता लगा लीजिए कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है। कैसे भाई? आपने देखा क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब करंट जा रहा है इनटू द पेपर, तो आपने थंब पॉइंट किया इनवर्ड्स और अपने फिंगर्स को कर्ल किया। जब आपने फिंगर्स को कर्ल किया तो आपको नजर ये आया कि भाई ये चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। तो अब आपने कंपस यहाँ पे पॉइंट करना, यानी कंपस के हिसाब से आपने एरो बना देना है। याद रखिएगा, आपका प्लॉटिंग कंपास आपकी फील्ड के टेंजेंट होता है। प्लॉटिंग कंपास की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट पे होती है। अरे भैया, ऐसे ही बनाना पड़ता। सी, योर प्लॉटिंग कंपास मस्ट बी पॉइंटिंग एट 90 एट अ टेंजेंट टू योर फील्ड। At all points. तो ये वो चीज है जो आपको वाई के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी काम आती है। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक चीज और है जिसको आप कहते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड एक कॉइल ऑफ वायर को कहा जाता है। और हमें उसके अराउंड भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो अगर हम एक सोलेनोइड यहां बना दें, और इस सोलेनोइड में से करंट जा रहा हो, लेट्स से एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव है, जिससे हमारे सोलेनोइड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट ट्रेवल करने का काम कर रहा है। ये करंट ऐसे जा रहा होगा और कॉइल के अंदर ट्रेवल होने की इसकी ये डायरेक्शन होगी।
तो अब अगर मुझे एक क्वाइल ऑफ वायर के अराउंड के मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो उसके लिए भी हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल ही है, लेकिन इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल के अंदर मामला ये होता है कि थंब बताता है नॉर्थ पोल, अब यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, और आपकी फिंगर्स कर लूंगी डायरेक्शन ऑफ करंट में। अब अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जैसे कॉइल के अंदर करंट ट्रेवल कर रहा है, आप अपने फिंगर्स को बिल्कुल ऐसे ही कर्ल करो। इसकी भी डायग्राम हो सके तो दिखा दो, बिल्कुल देखो जैसे इस तरह कि उसने अपने फिंगर्स को जिस तरह यानी जिस डायरेक्शन में करंट था बिल्कुल वैसे ही फिंगर्स को कर्ल किया। तो जो थम होगा आपके राइट हैंड का, वो थम आपको बताएगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ। तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन योर वायर, आप अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा कि आपके फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल हो जिस डायरेक्शन में करंट ट्रेवल कर रहा था। तो जो थंब के पॉइंट होगा, थंब विल टेल यू वेयर द नॉर्थ पोल विल बी। उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं इस पिक्चर को, बहुत बड़ी है थोड़ी छोटी करके ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए एक रेफरेंस रहे कि भाई आपने अप्लाई कैसे करते। अब आप बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है भाई दिस प्लेस इज द नॉर्थ पोल। सॉरी मेरे लिए तो खैर ये वाले होगा क्योंकि इफ आई कर्ल माय फिंगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लूंगी, ये प्लेस नॉर्थ हो गई मेरे लिए और ये प्लेस साउथ हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है, लेकिन क्योंकि ये कॉइल हॉलो था तो फील्ड आपसे बाहर बाहर नहीं बनाओगे, फील्ड आप अंदर से गुजरते हुए बनाओगे पूरी, आप उसमें फील्ड थ्रू एंड थ्रू ड्रॉ करके दिखाओगे। कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर आ रही है और साउथ में एंटर हो। नहीं बेटा नॉर्थ लेफ्ट पे नहीं आएगा ना, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक, एक कॉइल को ग्रिप करो अपने फिंगर्स के थ्रू, तो आप देखोगे आपकी फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, जैसे आप वायर आपका जो फिंगर्स है वो कॉइल के पीछे से गुजर के ऊपर से पास होता हुआ और फिर नीचे होगा और फिर आपका थंब राइट की तरफ पॉइंट हुआ होगा। राइट हैंड यूज करना है। These red lines are, mere bache, the magnetic fields that are formed around the coil of wire. यही तो magnetic fields हैं, जो north से pass होती हुई south की तरफ जा रही है। ये इस तरह से ट्रैवल करेगा बेटा। इट्स iPad Pro 12.9 inches and the application that I use is Good Notes. तो ये वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए कि एक सोलेनोइड के अराउंड और एक वायर के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड आपको किस तरह से दिखती है।
वंस वी हैव दिस आइडिया, अब हम बात करेंगे कि इफ आई प्लेस टू वायर्स क्लोज टू वन अनदर हाउ विल दे बिहेव. अच्छा, द रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स अप और पॉप्स अप ओवर हियर इज बिकॉज व्हेन यू नो कि भाई व्हेन देयर इज अ करंट इन अ वायर द वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. So if I like place two wires near to one another, their magnetic fields will definitely interact with one another. For sure, they're going to interact with one another. And this interaction of field will produce a force, which would either be attractive or repulsive. So in order to figure out ke bhai, where, what sort of force or which direction of force would that be, to hum yahan pe kya karenge? हम जरा ये देख लेते हैं कि भाई लाइक करंट्स और अनलाइक करंट्स का आपस में क्या बिहेव है. सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि भाई लाइक करंट्स एक्चुअली अट्रैक्ट वन अनदर. इससे पहले जो भी था वो ऑपोजिट था. लाइक हमेशा रिपेल किया करते थे. नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता था, साउथ साउथ रिपेल करता था, प्लस प्लस माइनस माइनस सब रिपेल करते थे एक दूसरे को. लेकिन करंट्स के मामले में लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. लाइक करंट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेट मी शो यू. आई एम गोना सेव सम टाइम. आई ऑलरेडी हैव दिस रिटन विद मी. तो हम लाइक करंट्स में कहते हैं भाई इफ यू हैव टू वायर्स व्हिच वर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो व्हाट यू वुड सी इज दैट द वायर्स आर गोना कम क्लोजर टू वन अनदर, दे विल पुल ऑन वन अनदर. अच्छा, ये मैंने सिर्फ सेंटर में बनाया है. इमेजिन करते हुए कि मैंने इन जगहों से वायर को फिक्स्ड किया हुआ था, तो यहां से नहीं हिल सकते थे, इसलिए सेंटर से करीब आ गए. लेकिन समझना जरूरी है कि ये क्यों आए और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप बनाओगे कैसे. तो उसका तरीकेकार मैं आपको समझाता हूँ कि आप उसे ड्रॉ कैसे करें. मैं साइड में आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इमेजिन करें कि दोनों वायर्स में करंट जा रहा था अंदर की तरफ. तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक वो कुछ ऐसे बन रही है. अब दोनों वायर्स को जब एक दूसरे के क्लोज लाया जाता है बेटा, तो होता यह है कि ये जो दरमियान में आप जगह देख रहे हैं जहां दोनों वायर्स की जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है. एक की फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो अगले की अपवर्ड. तो दरमियान के स्पेस में ये फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती है. लेकिन अगर आप टॉप पे और बॉटम पे देखिए, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स की एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो जब वायर्स करीब आते हैं तो ये फील्ड्स एक दूसरे में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है. और हमें जो नतीजा मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है कि द फील्ड्स विल ज्वाइन विद वन अनदर एंड फ्रॉम द मिडल दे विल एक्चुअली वैनिश. क्योंकि मिडल के अंदर द फील्ड्स आर एक्चुअली ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो लाइक करंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे बनी हुई आती है. पेपर में ये ड्रॉ करने को कम दिया जाता है. सही है, ज्यादातर जो आपसे चीज पूछी जाती है इसके अंदर वो ये है कि आप पहचानिए कि अगर लाइक करंट्स होंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगी. तो यू और व्हाट यू हैव टू डू इज टू आइडेंटिफाई कि अच्छा भाई ये लाइक करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड है. डायरेक्शन वगैरह भी करेक्ट है उसकी और जैसा होना चाहिए था कि फील्ड एक दूसरे से मर्ज हो रही है वो भी नजर आ रहा है.
और क्योंकि ये फील्ड एक तरह से वायर को कवर कर रही है चारों तरफ से, तो वो वायर्स को अंदर की तरफ पुश करती है, तभी तो हमें लगता है कि वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। बेटा अंदर वाली फील्ड भी होती है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ बाहर वाली फील्ड को कनेक्ट करके दिखाया। वो जैसे जैसे वायर्स करीब आएंगे तो अंदर वाली फील्ड भी कनेक्ट होती चली जाएंगी। अब्दुल बासित बेटा, आपके पास दोनों वायर्स के अराउंड की फील्ड एक ही डायरेक्शन में चल रही थी ना, तो जब आप वायर को दोनों वायर्स को करीब लेकर आए तो आपने ये देखा कि उनके दरमियान में जो जगह थी वहां दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट थी, तो वहां फील्ड कैंसिल हो गई। लेकिन टॉप पे और बॉटम पे फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, तो वो एडअप हो गई। जिससे आपके पास ये वाली शेप समझ बन के सामने आई। अब आ जाते हैं भाई नीचे वाले केस के अंदर, कि अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती, एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है और एक वायर में करंट नीचे आ रहा है, यानी एक वायर में करंट है इनटू द पेपर, एक में करंट है आउट ऑफ द पेपर। आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे मैंने ये बना के दिखाया। तो यहाँ पे ये है कि अगर मैं दोनों वायर्स के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, अच्छा अनलाइक ये अनलाइक करंट है ना, अनलाइक करंट रिपेल करते हैं एक दूसरे, ठीक। तो क्यों कर रहे हैं जरा आप यहाँ पे देखते, जब हम दो वायर जिनमें करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे उनको क्लोज लाते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं जैसे पहले वाली कर रही थी। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार जो दरमियान की स्पेस है वहां दोनों की फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड्स। तो करीब आने पर ये फील्ड्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। और इन जगहों पे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो इन जगहों पे एक दूसरे से अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो रही होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसकी वजह से वो कुछ ऐसी नजर आती है, कि आपके पास सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और दूर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। तो ये भी ड्रॉ करने से ज्यादा आपके पास पहचानने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए अनलाइक करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। ये जो एरो हम बना रहे हैं, इस एरो की डायरेक्शन इसी बेसिस पे है कि आपके पास जो फील्ड्स थी उनका एरो किस तरफ है। हाँ, द फर्स्ट डायग्राम लुक्स लाइक सेल इमर्जिंग और द सेकंड डायग्राम लुक्स लाइक वन आई पोक्ड।
ये रिजल्टेंट होता है। सेवन की शेप्स को जहन में रख लो बेटा, और कुछ भी नहीं करना, सही? इसको बनाने के ऊपर मत वर्किंग करो, सिर्फ इतना याद रखो कि लाइक करंट्स और अनलाइक करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होती है, दैट्स इट, ताकि कभी एमसीक्यू आए तो आप उसको देख के पहचान सको। बेटा लाइक करंट्स में अगर दोनों वायर्स में करंट एक तरफ जा रहा था तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स जो बनी थी वो ऐड हो गई थी, सेंटर में वो कैंसिल हुई थी, जैसे मैंने भी बताया था उस वक्त कि भाई एक की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही थी, अगले की ऊपर, यहाँ पे वो कैंसिल हो गई और फिर ऊपर से और नीचे से वो फील्ड ज्वाइन हो गई। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड बनी उसकी शक्ल कुछ ऐसी थी। ठीक है भाई, चलो मैं आज के लेसन यहीं तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एप्लीकेशंस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, और फिर मैं बात करूंगा आपके साथ डीसी मोटर के ऊपर। तो डीसी मोटर के अंदर फिर उसकी एक छोटी सी एक क्लास का है वो, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई डीसी मोटर काम कैसे करती है, सो ऑन एंड सो। कल की क्लास एप्लीकेशंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, तो इट्स इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट आउट। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।